नमस्कार, कार्यक्रम जीवन दर्शन में आपका स्वागत है। रात और दिन की तरह, धूप और छांव की तरह, इस संसार में दोनों ही प्रकार के कारण, पदार्थ और व्यक्ति मौजूद हैं। दोनों प्रकार के ना रहकर वे एक ही प्रकार के हो जाएं, तो संसार की भिन्नता, विचित्रता और शोभा नष्ट हो जाएगी। भिन्नता को हटाकर एकता स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न हमें करने पड़ते हैं, उनके पीछे एक सार्थक उद्देश्य और लक्ष्य रहता है। बाधाओं को हटाकर सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए ही तो हमारे सारे प्रयत्न चलते हैं। यदि एक ही स्थिति निरंतर बनी रहने वाली हो, तो फिर प्रयत्नों का कोई उद्देश्य और लक्ष्य होना ही होता है। ईश्वर की उपस्थिति में ऐसा किया जाए तो सार्थक परिणाम प्राप्त होते हैं।
क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान, जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं, कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र, वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। संसार की रचना में दोष और ईश्वर की भूल ढूंढने की अपेक्षा हमें यही सोचना चाहिए कि क्या ऐसा संभव है कि अप्रिय के दुष्प्रभावों से बचा रह जा सके और प्रिय की प्राप्ति के लाभों से लाभान्वित हुआ जा सके। विचार करने पर प्रतीत होता है कि ऐसी सुविधा भी परमात्मा की इस सृष्टि में मौजूद है। यदि उस सुविधा से लाभ उठाना जान लिया जाए तो ऐसा हो सकता है कि संसार की रचना परस्पर विरोधी प्रिय और अप्रिय तत्वों से होने पर भी हम शांति संतोष और आनंद का जीवन व्यतीत कर सकें। परमात्मा का नियमित स्मरण करके हम ऐसा सहजता के साथ कर सकते हैं। जगदम्बा जगदम्बा भवानी जगदम्बा जगदम्बा।
कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। देखिए कैसे हैं आप रविवार दोपहर 3:30 पर। हम अपने भीतरी दृष्टिकोण को बदलेंगे तो बाहर जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो सब कुछ बदला बदला सा दिखाई देगा। अनेक लोगों को इस संसार में केवल पाप ही पाप और दुर्भाव ही दिखाई पड़ते हैं, उन्हें सर्वत्र गंदगी ही दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण अपनी आंतरिक मलिनता ही होती है। इस संसार में अच्छाइयों की कमी नहीं है, श्रेष्ठ और सज्जन व्यक्ति सर्वत्र हैं और प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अच्छाई तो होती ही है। छिद्र अन्वेषण छोड़कर यदि हम गुण अन्वेषण करने का अपना स्वभाव बना लें तो घृणा और द्वेष के स्थान पर हमें प्रसन्नता प्राप्त करने लायक भी बहुत कुछ मिल जाएगा। बुराइयों को सुधारने के लिए भी हम घृणा का नहीं बल्कि सुधार और सेवा का दृष्टिकोण अपनाएं तो वो कटुता और दुर्भावना उत्पन्न ना होगी जो संघर्ष और विरोध के समय आमतौर पर हुआ करती है। मिटेंगे दुख सारे, बोलो रे हरि नाम, भजो रे हरि नाम, जपो रे हरि नाम। मिटेंगे दुख सारे, बोलो रे हरि नाम, भजो रे हरि नाम।
प्रभुरे हरिनाम। झूठी दुनिया के झगड़ों में, झूठी दुनिया के झगड़ों में क्यों मन को उलझाया, क्यों मन को उलझाया। ये चंचल माया का सुख है, ये चंचल माया का सुख है। जैसे धूप कहीं छाया दो पल का राम, मिटेंगे दुख सारे। बोलो रे हरिनाम, भजो रे हरिनाम, जपो रे हरिनाम, मिटेंगे दुख सारे। बोलो रे हरिनाम, भजो रे हरिनाम, जपो रे हरिनाम। जिसने भी हरि नाम पुकारा, जिसने भी हरि नाम पुकारा, संकट में प्रभु दिया सहारा, संकट में प्रभु दिया सहारा। हरि भजन में कर दे अर्पण, हरि भजन में कर दे अर्पण, बाकी है जो जीवन तेरा। भजो रे सुबह शाम, मिटेंगे दुख सारे। बोलो रे हरिनाम, भजो रे हरिनाम, जपो रे हरिनाम, मिटेंगे दुख सारे। बोलो रे हरिनाम, भजो रे हरिनाम, जपो रे हरिनाम, भजो रे हरिनाम, जपो रे हरिनाम, भजो रे हरिनाम। अगर प्रत्येक स्थान में प्रत्येक परिस्थिति में हम विजय प्राप्त करने का भरोसा ना रखें तो हम स्वयं को मनुष्य कहने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। हमें सदैव इस प्रकार की आत्मश्रद्धा रहनी चाहिए कि हम महान हैं और हमारे भीतर अद्भुत शक्तियां विद्यमान हैं। इस प्रकार के आंतरिक विश्वास से महत्वपूर्ण कार्यों को करने की जितनी शक्ति प्राप्त होगी उतनी किसी दूसरी बात से प्राप्त नहीं हो सकती है। ईश्वर के प्रति समर्पित रहने से ये मार्ग आसान हो जाता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।